सर्च करें आवामी न्यूज़, मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कर्नाटक में हुकूमत साजी को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी रस्साकशी का बाला आखिर कल शाम इस वक्त खात्मा हो गया जब एचडी कुमारस्वामी की हुकूमत 105 के मुकाबले सिर्फ 99 वोट ही हासिल कर सकी थी, जिसके बाद एचडी कुमारस्वामी को वजीर आला की हैसियत से गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। और अब बताया जा रहा है कि आज दिन में बीजेपी खेमे में पार्टी लीडर का इंतखाब किया जाना है, जिसमें यूडी यूरपा को मुंतखब किया जाना तय है और इसके मुकम्मल होने के बाद ही बीजेपी की जानिब से गवर्नर को हुकूमत साजी का दावा पेश किया जा सकेगा। ख्याल रहे कि कर्नाटक में कांग्रेस की मदद से कुमारस्वामी हुकूमत साजी कर रहे थे, लेकिन महज 14 माह होते ही कांग्रेस और खुद उनकी पार्टी के कई एमएलए ने बगावत करते हुए बीजेपी के साथ खड़े हो गए, जिसकी वजह से कुमारस्वामी हुकूमत को असेंबली में अदम एतमाद के दौरान नाकाम होना पड़ा है।